बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। टेक आउट योर बुक्स एंड पेंसिल्स। टर्न ऑन योर कैमरा। दारा ज़ैनब, आई थिंक यू शुड टर्न ऑन योर कैमरा। It's page number 9. I thought turn on your camera. It's page number 9. Fatma Imran Mitte, start reading. Unmute your mic. Fatma Imran. Yes, teacher. Yes, bitte. Page number 9. Teacher, page number 9. Teacher, teacher, books तो आपके पास है, books और copies. बेटे स्क्रीन से देख के रीडिंग कीजिए। आप में बेटे बहुत शोर है। टीचर बुक्स तो आपके पास है, स्क्रीन से देख के रीडिंग कीजिए। फातिमा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटा? ओके टीचर। प्यारे बच्चों, आपने मोहब्बत से शहजादों और बहुत से शहजादों और शहजादियों की कहानियां पढ़ी और सुनाई होंगी। आइए आज प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे हजरत खदीजा अल-बुकरा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक हजरत खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक सहाबियों के बारे में पढ़ते हैं। सबक को मुकम्मल फहम के साथ खामोशी से पढ़िए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सहाबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पाँच साल बाद पैदा हुई। नखा के पांच साल बाद पैदा हुए। आपने वन लाइन शक्ल फातिमा, यू हैव स्किप वन लाइन। शक्ल सूरत में टीचर क्या कह रही है? वन लाइन बेटे स्किप की है। टीचर ने मैंने पढ़ ली है दूसरी लाइन। शक्ल सूरत में यहाँ से पढ़िए। एक सेकंड लाइन बेटे। ओके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम के पांच साल बाद पैदा हुए। शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह अन्हा
आप रजील अनवर अपने वालिद माजद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हद तक मिलती जुलती थी। अल्लाह ने नबूवत के वक्त आप रजील अनवर की उम्र 10 वर्ष थी। खुद खवातीन में सबसे पहले आपकी वालदा माजिदा ने इस्लाम कबूल किया। इनके फौरन बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी इस्लाम कबूल फरमा लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन से ही घर के काम काज में अपनी वालदा का हाथ बटाती। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को खेल कूद से कोई दिलचस्पी ना थी। नेक सीरत और पाकीज़ा अख़लाक आप रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने वालिदैन से रुपए में मिला था। इसके साथ अल्लाह ताला ने आपको अकल आप रजी अल्लाह अन्हा को अकल व फहम की दौलत से भी नवाजा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रजी अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। थैंक यू फातिमा। यस आयतल आप रीडिंग कीजिए। I can turn on your camera. Either unmute yourself. Yes, I can. Zainab, turn on your camera. ये ज़िवेरी है बेटा, आप भी कीजिए। स्पीक लाउडली बेटे। मेरी बेटियाँ मैं सब से प्यारी बेटी है, जो मेरी मोहब्बत में काफिरों के हाथों सबसे ज्यादा सताई गई। आप रजी अल्लाहु अन्हा की शादी
की बहन अबू अल आस सल्ताना से ही हजरत जनाब सल्ताना ने इस्लाम के खातिर इस्लाम की खातिर सबसे ज्यादा बहुत सी कुर्बानियां दी खातिर बहुत सी कुर्बानियां दी और मसाहिब को सबर और सबर और तहम्मुल से बर्दाश्त किया जा तहम्मुल से बर्दाश्त किया जब आप मक्का से अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए मदीना रवाना होने लगी तो एक दुश्मन इस्लाम हाबर ने आप सल्ताना को पर मारा जिससे आप सल्ताना से शदीद जख्मी हुई और बीमार रहने लगी। आठ हिजरी में अकासन बरस की उम्र में इकतीस बरस की उम्र में आप हजरत जनाब अल्तलहा का वसाल फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके पर बेहद गमगीन थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जनाब की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। आपको काबिल सलाना को जन्नत अल बक्की में दफन किया गया हजरत कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा यस बेटी ज़ारा हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला वो अन्हा ने भी अपनी वालिदा माजदा और बहनों के साथ इस्लाम कबूल किया। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला वो अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला वो अन्हा से किया गया। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला वो अन्हा और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला वो अन्हा मिसाली मियां बीवी थे। कुरैश की औरतें इनकी मोहब्बत और हुस्न सलूक की मिसालें दिया करती थीं। एक दिन हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला वो अन्हा अपने चहेते फर्जंद हजरत अब्दुल्लाह को गोद में लिए बैठी थी के एक मुर्गा आया और इसने बच्चे का गाल पर अपनी चोंच मार दी। जहर फैल गया और ये फूल से फर्जंद अल्लाह ताला को प्यारा
इस वाक्य के बाद हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बीमार रहने लगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बेहद मोहब्बत के साथ इनसे तीमारदारी की। हिजरी में गज़वे बदर पेश आया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की तीमारदारी की वजह से इस जगह में शिरकत से मना फरमाया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इलाज और तीमारदारी में कोई कसर तीमारदारी में कोई कसर ना छोड़ी, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चहेती साहिबजादी 30 बरस की उम्र में अपने खालिक के हकीकी से जान मिली। मुजाहिदीन इस्लाम गज़वे बदर में फतह याब होकर जब मदीना तशरीफ लाए तो इन्हें हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के वसाल की खबर मिली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का भी बहुत दुख था कि हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जनाजे में शिरकत नहीं फरमा सके। I think that you turn on your camera. जी रीडिंग कीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी अच्छा, तुम्हें कल सुन रजी अल्लाह था से 5 साल और हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से 8 साल छोटी थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा में अपने वालिदैन के तमाम औसाफ मौजूद थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा नहायत खुश बयान नेक और पाकीज़ा तबीयत की मालिक थी।
फहमो फरासत शर्मो हया और सलीका शारी का पेकर थी। जब हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इलाने नबुवत फरमाया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र उस वक्त सिर्फ 2 वर्ष थी। हजरत खदीजा अल अकबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसाल और दोनों बड़ी बहनों की के तमाम कामों की जिम्मेदारी संभाल ली और साथ ही साथ अपनी छोटी बहन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी देखभाल और तरबियत का हक अदा किया। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा दिया। हज़रत अन्ना के निकाह में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यक्के बाद दिगरी 2 साहबजादियां आईं। ये बारगाहे रिसालत से जवार के अन्ना फरमाते हैं, मैंने हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्ना पर एक बेश कीमत चादर देखी जो रेशम की धारियों से बनी हुई थी। हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्ना का लिबास अमदा होता था। हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी ने नौ हिजरी रहलत अन्ना के पहलू में अल बकी में दफन किया गया। हजरत फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह अन्हा इस जुवेरिया के आइकन पर आपके सिग्नल स्टॉप हो गया। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब ज़हरा इस लिए था कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा का चेहरा बहुत सफ़ेद था जिससे नूर चमकता था। शक्लो सूरत और आदतों और काम में आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिद मोहतरम से बेहद शाबा थी। तमाम बहनों में सबसे ज्यादा चमकाती थी। अब चहेती थी। अभी आप रज़ी अल्लाह की उम्र सिर्फ 5 साल थी कि आप रज़ी अल्लाह की वालिद वालिदा दुनिया से
दुनिया से रुखसत हो गए। रुखसत हो गए। बड़ी बहन ने आप सुल्ताना का बहुत प्यार रखती और रसूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर लम्हा आप सुल्ताना को दिल जोई फरमाते थे। मेरे जिगर का टुकड़ा है। इससे खुशी मेरी खुशी और इसकी नाराजगी मेरी नाराजगी है। जब मक्के के काफिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढाते थे तो उन्हें देखकर आप तरह बहुत रोती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवारों से कांटे चुनती और चेहरा अनवार से साफ करते आप जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अपने चचाजाद भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया और इरशाद फरमाया ए फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने तेरी शादी अपने खानदान से भलाई भले बेहतरीन शख्स से की है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने घर का सारा काम अपने हाथों से करती। इसके बावजूद आप कसरत से इबादत भी करती थी। आप अपने बच्चों हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाली तरबियत की। आप रज़ी अल्लाह अन्हा बड़े सारा जिंदगी बसर करते थे। दीन की बातों की समझ बूझ में माहिर थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा इल्म हदीस की बहुत बड़ी आलिमा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से अपना विसाल फरमाने और जन्नत
जन्नत में दुनिया जन्नत में औरतों की सरदार होने की बशरत सबसे पहले उन्हें दी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसालत के बाद बेहद मुँह और बीमार रहने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसालत के साल के छह माह बाद आप हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा 29 बरस की उम्र में 11 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ाई आपने को रात के वक्त आपने की तरकीब की गई ताकि जनाजे का भी पर्दा बेकरार रहे। जी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, आपका लकब जो ज़ाहरा था और आप रज़ी अल्लाह अन्हा का चेहरा एनवार बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद था और उससे ऐसा मालूम होता था जैसे इनके चेहरे से नूर टपकता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा शक्लो सूरत और आदाद एतबार में अपने वालिद मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबे थी, यानी बहुत ज़्यादा उनके जैसी थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा तमाम बहनों में सबसे ज़्यादा लाडली थी और आपकी उम्र अभी सिर्फ 5 बरस की थी जब आपकी वालदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हो गया था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की परवरिश और इनकी देखभाल इनकी बड़ी बहनों ने की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यानी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत दिलजोई फरमाते थे और फरमाया करते थे कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसकी खुशी मेरी खुशी और इसकी नाराज़ी मेरी नाराज़ी है। जब मक्के के काफिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढाते थे तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती थी और बहुत रोती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों यानी पैरों से कांटे चुनती थी और उनका चेहरा अनवार यानी उनका चेहरा मुबारक गर्द से साफ करती थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब बड़ी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह अपने चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया और उस वक़्त उन्होंने इरशाद फरमाया था कि ऐ फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने तुम्हारी शादी अपने ख़ानदान में बेहतरीन शख्स से की है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर का तमाम कामकाज खुद करती थी, इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ज़्यादा कसरत से इबादत करती थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने प्यारे बच्चे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की भी परवरिश खुद की थी और उनकी तरबियत मिसाली की थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी बहुत ही सादा थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा इल्म हदीस की और दीन की समझ बूझ में माहिर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के से पहले उन्होंने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जन्नत की औरतों के सरदार होने की बिशारत दी थी, यानी उन्हें ये खुशखबरी दी थी कि जन्नत की औरतों के सरदार हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ज़्यादा गमगीन और बीमार रहने लगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद ही आपका भी विसाल हो गया था। आपके विसाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक 29 बरस की थी और आपने 11 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हुई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी और आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने वसीयत की थी कि इनकी जो तदफीन है वो
रात के वक्त की जाए, यानी इनको जो दफनाया जाए वो रात के वक्त दफनाया जाए। इसकी क्या वजह बयान की गई है? इसकी ये वजह बयान की गई है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ज़्यादा पर्दे की पाबंद थी और उन्होंने कहा था कि रात के वक्त मेरी तदफीन की जाए ताकि जनाजे का भी पर्दा बरकरार रहे। जी, हमने ये जो सबक पढ़ा है इसमें बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियाँ हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फातिमतुल ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पढ़ा गया है। अब आप सब इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी देख लीजिए। अक्लो फहम का मायनी है सूझबूझ यानी दानिशमंदी। मसाइब का मायनी है दुख, मुश्किलात या तकलीफें। सब्र तहम्मुल का मायनी है बर्दाश्त। विसाल फरमाना इंतकाल करना। गमगीन का मायनी है दुखी या उदास। सरीका शुआरी घरेलू कामों में महारत होना, हर काम को तमीज और तहजीब से करना। तीमारदारी बीमार की खिदमत करना और बेहद ख्याल रखना। कसर ना छोड़ना, किसी भी चीज़ में कोई कमी ना छोड़ना। खालिक हकीकी से जा मिलना, अल्लाह ताला से जा मिलना। फहम व फरासत समझ और अकल। यके बाद दीगरे एक के बाद दूसरी। रहलत फरमाना इंतकाल कर जाना। मुशाबा होना एक जैसा होना। चहीती लाडली दिलजोई करना, तसल्ली देना या हौसला बढ़ाना। बिशारत खुशखबरी, मगमूम गमगीन या दुखी। ओके जी, आई विल टेक योर अटेंडेंस क्विकली बेटे। आयतन फातिमा इमरान,